दोस्तों मैं इस वीडियो में भूल भुलैया 2 का रिव्यू करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और तब्बू लीड रोल में नजर आए हैं। उनके अलावा इस फिल्म में कियारा अडवाणी, मिलिंद गुनाजी, राजपाल यादव और संजय मिश्रा भी नजर आए हैं। इस फिल्म को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया है। अनीस बज्मी की पिछली 3 फिल्में वेलकम बैक, मुबारकन और पागलपंती बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही थी, लेकिन भूल भुलैया 2 उनके लिए कमबैक फिल्म हो सकती है। दोस्तों अगर बात करें कहानी की, तो इस फिल्म की कहानी एक हवेली से शुरू होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद किया जाता है। उसके बाद सभी लोग हवेली खाली करके चले जाते हैं और फिर 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। इस फिल्म में कार्तिक ने रूहान का रोल निभाया, जो बाद में रूह बाबा बन जाता है। कियारा ने इस फिल्म में रीत का रोल निभाया। रीत और रूहान दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों राजस्थान आ जाते हैं। रीत और रूहान के साथ रीत का पूरा परिवार भी वापस उसी हवेली में रहने लगते हैं। फिल्म आगे बढ़ती है और फिल्म में बहुत से हॉरर और कॉमेडी सीन्स आते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है, बस फर्स्ट हाफ में जबरदस्ती का लव एंगल दिखाया जाता है, जिसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। जबकि पहले वाले भूल भुलैया में अक्षय कुमार की एंट्री लगभग 40 मिनट बाद होती है। पहले वाले भूल भुलैया में कहानी में ज्यादा ध्यान दिया गया था। भूल भुलैया साउथ की रीमेक थी तो कहानी अच्छी होनी ही थी। भूल भुलैया 2 का सेकंड हाफ भी काफी अच्छा है, लेकिन क्लाइमेक्स पूरा बर्बाद कर दिया गया। बॉलीवुड को ऐसे ही लोग कॉपीवुड नहीं कहते, ये बॉलीवुड कॉपी और रिमेक से ऊपर कुछ सोच नहीं सकता। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी पूरा कॉपी किया गया, जबकि अगर कॉपी नहीं किया जाता तो फिल्म ज्यादा अच्छी होती। इस फिल्म की कहानी किस फिल्म से कॉपी किया गया ये आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले को आकाश कौशिक ने लिखा है। फिल्म की कहानी ठीक ठाक है, लेकिन क्लाइमेक्स के कारण फिल्म की कहानी में ज्यादा दम नहीं है। स्क्रीन प्ले भी एवरेज है। कौन से कैरेक्टर को कब कहाँ दिखाना चाहिए ये इनको पता ही नहीं, और फिल्म के एडिटर और डायरेक्टर ने भी यही गलती की है। एडिटिंग का भी अपना अलग रोल होता है मूवी में। अगर ठीक से एडिटिंग नहीं हुई तो फिल्म पूरी बर्बाद हो जाती है। अगर बात करें डायरेक्शन की, तो अनीस बज्मी ने ठीक ठाक डायरेक्ट किया है। अगर बात करें एक्टिंग की, तो कार्तिक आर्यन ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। संजय मिश्रा और राजपाल यादव ने भी अच्छी एक्टिंग की है और लोगों को काफी हंसाया है। लेकिन पहले के मुकाबले अब राजपाल यादव की एक्टिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। वहीं कियारा अडवाणी की एक्टिंग भी ठीक ठाक है। अगर उनकी जगह इस फिल्म में कोई दूसरी एक्ट्रेस भी रहती तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस फिल्म में सबसे बेस्ट एक्टिंग तब्बू ने की है। तब्बू ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से जान डाल दी है। कियारा अडवाणी तो इस फिल्म में नाम भर की एक्ट्रेस है, जबकि इस फिल्म में असली एक्ट्रेस तो तब्बू है। अगर बात करें म्यूजिक और गाने की, तो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को संदीप शिरोडकर ने दिया है, और इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया, जो फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है। इस फिल्म के गाने अच्छे हैं, बस शुरू का एक गाना दे ताली बहुत ही बकवास है, जो फिल्म में कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा, फिर भी उसे जबरदस्ती घुसा दिया गया। ट्रेलर से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इस फिल्म में कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन फिल्म में कुछ ज्यादा नया नहीं है। क्लाइमेक्स के अलावा मंजुलिका की फ्लैशबैक सीन्स भी कॉपी की गई है। कुल मिलाकर ये फिल्म ठीक ठाक है और काफी इंटरटेनिंग है। आप इस फिल्म को एक बार थिएटर में देख सकते हो। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देता हूँ और तब्बू के लिए एक्स्ट्रा हाफ स्टार दे रहा हूँ, यानी मैं इस फिल्म को ओवरऑल में 5 में से 3.5 की रेटिंग दे रहा हूँ। इस फिल्म को कई क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज मिले हैं और पब्लिक से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट जरूर होगी। वैसे दोस्त अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही बाकी फिल्मों की रिव्यूज भी करूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।